एक लड़का जिस पर समाज के फेलियर का ठप्पा लग चुका था। लोगों को तो छोड़ो, जब आपके अपने ही परिवार वाले कहने लगे कि ये तो मंद बुद्धि है, इसका अब कुछ नहीं हो सकता, आप यकीन मानो कि वह लड़का जो अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता था, वह वास्तव में आज टूट गया। अगर वह मेहनत भी करे तो किसके खुशियों के लिए करे? उसी परिवार के लिए करे जिसने उसे पहले ही नकारा घोषित कर दिया। और गरीबी का आलम यह था कि अगर कोई चीज चाहिए तो महीनों का इंतजार करना पड़ता था। रिश्तेदारों के यहाँ शादी ब्याह में हमारे स्कूल ड्रेस ही हमारे नए कपड़े होते थे। लेकिन कहते हैं ना कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। और आज उसी लड़के ने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जिसका सालाना टर्नओवर 25 करोड़ से भी ज्यादा का है, और आज उसकी कंपनी के पूरे देश भर में 60 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं। तो गाइस, हम हर वीक बिग ड्रीमर नाम का एक शो लाएंगे जिसमें किसी न किसी राइजिंग स्टार्टअप के फाउंडर की सक्सेस स्टोरी होगी। और आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि कैसे एक लड़का जिस पर समाज के फेलियर का ठप्पा पहले ही लग चुका था, उसने कैसे अपने हालातों से लड़कर एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जो लोग पहले नकारा निकम्मा कहते थे, अब वही लोग अपने बेटों को अपने साथ रखने को कहते हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे एक लड़के ने जीरो से शुरुआत करी, पहले समाज से लड़ा, और सिर्फ देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही सालों में एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जिसका सालाना टर्नओवर 25 करोड़ से भी ज्यादा था, और आज उसकी कंपनी में 400 से भी अधिक लोग काम करते हैं। आज हमें एक वीडियो बनाने में 18 से 20 घंटे का समय लगता है, और आपको एक लाइक करने में 1 भी सेकंड से कम का समय लगता है। और आपको पता है, आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमारे 200 घंटे का मेहनत यार सार्थक हो जाएगा। मुझ पर फेलियर का ठप्पा लग चुका था, घर वाले नात रिश्तेदार सभी यही कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। पहले बीटेक कर रहा था, वो भी नहीं कर पाया, छोटी मोटी नौकरी जो कर रहा था उसे भी छोड़कर गांव आ गया, घर बैठ गया, माँ बाप का सारा पैसा डुबा दिया। मेरी पहली और आखिरी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 9,000 की थी। देखिए, आज हमारे बिजनेस का सालाना टर्नओवर 25 करोड़ से भी ज्यादा का है। जो लोग मुझे नकारा निकम्मा घोषित कर चुके थे, वही लोग आज कहते हैं कि मेरे बच्चे को भी अपने साथ रख लो काम पर। यह कहानी है पिज्जा गैलेरिया के को फाउंडर संदीप जांगड़ा की। आज उनके पूरे भारत वर्ष में 60 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं। संदीप बताते हैं कि मैं हरियाणा के गोहाने का रहने वाला हूँ, ये सोनीपत जिले में मौजूद है। मुझे तो छोड़ो, यहाँ के लोगों ने भी कभी पिज्जा नहीं खाया था, ना ही देखा था, ना ही सुना था। 2015 में पहली बार जब मैंने यहाँ पर पिज्जा बेचना शुरू करा, तब यहाँ के लोगों को पिज्जा के स्वाद के बारे में पता चला। गोहाना में एक छोटे से आउटलेट से मैंने अपनी कंपनी की शुरुआत करी थी, और आज पूरे भारत में हमारे नेटवर्क है। और इस साल के अंत तक हम अंदाजा लगा रहे हैं कि पूरे भारत वर्ष में हमारे 100 से भी अधिक आउटलेट्स हो जाएंगे। मुझे आज भी याद है, जब मैंने इसकी शुरुआत करी थी तो पापा मुझसे रोज पूछते थे कि तुम अपनी कंपनी कब बनाओगे, और तब मुझे भी नहीं पता रहता था कि आखिर कंपनी बनाते कैसे हैं। और मैंने पापा से ऐसे ही बोल दिया कि जिस दिन मेरे 10 आउटलेट्स भी हो जाएंगे उस दिन मेरी कंपनी बन जाएगी। जब कंपनी बनी तो दुर्भाग्यपूर्ण मेरे पिताजी का निधन हो चुका था, और यह कहते ही संदीप की आंखें भर आती हैं, और वह अपने फोन से अपनी फैमिली फोटो देखकर इमोशनल हो जाते हैं। कुछ देर ठहरने के बाद बताते हैं कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मेरे पिताजी एक बढ़ई यानी कि कारपेंटर थे। पहले तो घर की स्थिति काफी खराब थी जब पापा चारपाई बनाने का काम करते थे। बाद में पापा जी ने एक फर्नीचर की दुकान खोल ली थी जिससे हमारे घर का गुजारा चलता था। हम सभी भाई बहन सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे। जब भी हमें बचपन में कोई चीज की जरूरत होती थी तो हमें उसे पाने में महीनों का इंतजार करना पड़ता था। आलम यह था कि किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी ब्याह में जाना होता था तो नए कपड़े के नाम पे हमारे पास बस हमारी स्कूल ड्रेसेज ही हमारे नए कपड़े होते थे, और यही अपनी स्कूल ड्रेस पहनकर हमने अपने जीवन के अधिकतर शादी विवाह अटेंड करे हैं। एक बार जब मैं 6ठी क्लास में था तो मुझे एक फैक्ट्री में काम करने तक की नौबत आ गई थी, और मैंने काम भी किया था क्योंकि उस वक्त मुझे एक साइकिल की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, और उस वक्त करीब 700 रुपए में एक पुरानी साइकिल आती थी। उस वक्त तो घर वालों के भी पास पैसे होते नहीं थे। अगर उस वक्त मैं पापा से बोलता तो पापा की भी इतनी अच्छी खासी आमदनी नहीं थी कि वह एक नई साइकिल मुझे दिला पाते। खैर, मैं जहाँ रहता था वहीं पास में एक रंग गुलाल बनाने की एक फैक्ट्री थी। वहाँ पर मैंने घर वालों को बिना कुछ बताए कई महीनों तक काम किया, और इससे जो मुझे 700 रुपए मिले मैं उन्हीं 700 रुपए से अपने लिए एक साइकिल खरीद ली। जब घर गया तो सभी चौंक गए, कहे कि इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। खैर, जब परिवार वालों को बताया कि मैंने फैक्ट्री में काम किया तो घर वालों ने मुझे अच्छी खासी डांट लगाई। खैर, मैं पढ़ने लिखने में भी कोई ज्यादा बहुत ही तेज तर्रार लड़का नहीं था, मैं अक्सर एक बिलो एवरेज ही लड़का रहा था, और एक ऐसा बिलो एवरेज लड़का जो हमेशा पिछली सीट पर बैठा करता था। संदीप ने बीटेक भी किया बस नाम का, क्योंकि 4 साल की डिग्री अगर कोई 6-7 साल में कंप्लीट करेगा तो इसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती हमारे मार्केट। लगभग 2009 के आसपास की बात है, उस वक्त हमारे देश में हर कोई इंजीनियरिंग कर रहा था। मैंने भी एडमिशन लिया, पापा ने जो पाई पाई बचा कर रखे थे वह सारे के सारे पैसे हमारे फीस में लगा दिए, और मेरी परिवार मेरे सेमेस्टर फीस भी बहुत ही मेहनत से अफोर्ड कर पाती थी, लेकिन मैं सेमेस्टर दर सेमेस्टर हमेशा फेल ही होते जा रहा था। यहाँ तक कि मैंने घर वालों को भी झूठ बोल दिया था कि मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। मुझे लगा कि यह डिग्री मुझसे नहीं कंप्लीट हो पाएगी, तो मैंने गुड़गांव के एक थर्ड पार्टी पेरोल कंपनी में काम करने लगा। 9,000 रुपए महीने की सैलरी थी, जितना कमाता था उससे कहीं ज्यादा खर्च ही हो जाता था। और फिर 2016-17 में मुझे नौकरी करते हुए 2 सालों से भी अधिक का समय हो चुका था, लेकिन मेरी सैलरी उतनी ही थी। फिर
मुझे लगा कि यार नई नौकरी ढूंढनी चाहिए, वहाँ पर कुछ तो सैलरी ज्यादा मिलेगी। और फिर दूसरी नौकरी ढूंढनी शुरू करी तो हर जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और फिर मैंने सोचा कि अब मुझे नौकरी कौन देगा, क्योंकि बीटेक की डिग्री तो मेरे पास है नहीं। ऐसे में तो मैं किसी कंपनी के डायरेक्ट पेरोल पर तो काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने चुपचाप नौकरी छोड़कर घर जाने का फैसला ले लिया। हालांकि मैंने घर वालों को बताया भी नहीं था कि मैंने जॉब छोड़ दी है। मेरे घर वालों को एक सप्ताह के बाद पता चला कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। घर में खूब डांट पड़ी, पापा ने बाद में बहुत कुछ कहा। और फिर आखिरकार उन्होंने एक दिन पूछ लिया कि अब आगे क्या करोगे, आखिर हमारा घर आगे कैसे चलेगा, तुम्हारी जिंदगी कैसे चलेगी, कुछ तो बताओ। फिर पिताजी ने सलाह दी कि जहां हमारी पुरानी दुकान थी उसी के बगल में मैं तुम्हारी दूसरी दुकान खुलवा देता हूँ। सब कुछ रेडी हो चुका था, दुकान रेडी था, लेकिन मेरा मन कुछ और ही करने का कर रहा था। जॉब के दौरान मैंने गुरुग्राम में पहली बार पिज्जा खाया था, उस पिज्जा को मैं भूल नहीं पाया था। और जब मैंने पिज्जा के बिजनेस के बारे में सोचना शुरू करा तो मुझे लगा कि गोहाना जैसे छोटे शहरों में पिज्जा बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। और फिर मैं अपने स्कूल फ्रेंड ईशान के साथ मिलकर इस पर काम करने लगा। और फिर मैंने आसपास पता करना शुरू कर दिया कि हमारे आसपास आखिर कोई पिज्जा बनाने वाली कंपनी मौजूद भी है या फिर नहीं। फिर मुझे बाद में पता चला कि हमारे आसपास पिज्जा बनाने वाली एक भी कंपनी है ही नहीं। अब क्या था, एक तरफ मेरा आइडिया था और दूसरी तरफ मुझे मार्केट में उस आइडिया का वैक्यूम दिख रहा था। और फिर मैं उसी दिन ठान लिया कि मैं एक ना एक दिन जरूर इसी क्षेत्र में एक पिज्जा का आउटलेट खोलूंगा। अब आपके पास एक बिजनेस आइडिया भी हो, मार्केट में वैक्यूम भी हो, फिर भी आप सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये सारी चीजें जितना सोचने में अच्छी होती हैं इससे भी कहीं मुश्किल होता है इन्हें ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करना। मैं पिज्जा बनाने की कंपनी बनाने के बारे में तो सोच चुका था, लेकिन मुझे पिज्जा तो बनाना आता ही नहीं था। और फिर उस वक्त मुझे जरूरत महसूस हुई पिज्जा बनाने की एक ट्रेनिंग। आखिरकार मैंने एक ट्रेन को 1.5 लाख रुपए देकर पिज्जा बनाने की पूरी रेसिपी सीखी और पूरी टेक्नोलॉजी सीखी। और इन 1.5 लाख रुपयों की जुगाड़ करने की कहानी तो खुद में एक कहानी है, क्योंकि मुझे तो छोड़ो मेरे परिवार में भी किसी के पास 1.5 लाख रुपए थे ही नहीं। और उधर पापा तो 1.5 लाख तो छोड़ो एक भी रुपए देने को राजी नहीं हो रहे थे, क्योंकि उस वक्त पापा का सीधा सीधा कहना था कि पहले तूने बीटेक में पैसे डुबाए और फिर एक दुकान में पैसे डुबाए और फिर अब तुम्हें इसमें पैसे डुबाने हैं, चला है पिज्जा बेचने, ये पिज्जा बेचेंगे साहब। लेकिन कहते हैं ना कि माँ की ममता का कोई मुकाबला नहीं होता। हालात बुरे थे मगर अमीर बनाकर रखती थी, हम गरीब थे ये बस हमारी माँ ही जानती थी। होना क्या था, माँ की ममता एक अलग ही लेवल पर होती है, जो अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरी माँ के पास कुछ सेविंग्स और कुछ गहने थे, उन्होंने कैसे कैसे करके 1 लाख रुपयों का तो जुगाड़ कर दिया। और बाकी 50,000 मैंने अपने दोस्तों से उधार लेकर फिर मैंने अपने पिज्जा बनाने की ट्रेनिंग शुरू करी। पिज्जा का एक छोटा सा आउटलेट खोला, वह भी चल पड़ा। और फिर धीरे धीरे मैंने अपने आउटलेट्स के नंबर बढ़ाने शुरू कर दिए और आज तकरीबन हम 600 से भी अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जो संदीप एक वक्त खुद ही 9,000 रुपयों के लिए नौकरी कर रहा था, आज वह 600 लोगों को रोजगार दे रहा है। इससे बड़ी सफलता मेरे और मेरे परिवार के लिए क्या हो सकती है। खैर हमारी मुलाकात तो सिर्फ यहीं तक थी, आगे मिलने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दे।